हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट फ्रॉम 1917 टू 1947। फ्रेंड्स, ये लास्ट एंड फाइनल फेज है हमारे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिस फेज को हम गांधीयन फेज से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर, जो फ्रीडम फाइटर हम कह सकते हैं, उभर के सामने आए थे, वो थे हमारे अपने बापू यानी महात्मा गांधी। इससे पहले जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स हुई हैं, जिनको हमने दो फेजेस में ऑलरेडी पढ़ा है फ्रेंड्स, मॉडरेट फेज एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेज के अंडर, उन दोनों मूवमेंट्स की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि उन्होंने इन अपने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी उनको मास मूवमेंट नहीं रखा। वो मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थी अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास तक, बट महात्मा गांधी जो थे इन्होंने ही फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि मास मूवमेंट के एसेंस को पहचाना और इन्होंने इसको एक जन आंदोलन का रूप दे करके अपने दो बहुत बड़े प्रिंसिपल्स यानी दो बहुत बड़े हथियार, जो पहली बार ही शायद किसी हम कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर ने इस्तेमाल किए थे, वो थे नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, इन्होंने यूज़ किए। हमें सबको पता है कि महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में, 2 अक्टूबर 1869। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जो की थी वो इंग्लैंड में की थी, फिर उसके बाद वो इंडिया वापस आए 1891 में अपने लॉ कंप्लीट करके। उसके बाद उनको इंडिया में कुछ खास आप कह सकते हैं कि जो विक्ट्री प्राप्त नहीं हुई, उनको सफलता नहीं मिली अपने लॉ करियर में। उसके बाद वो 1893 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं किसी केस के कारण, और फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल शुरू की अपार्थेड। अपार्थेड क्या है गाइस? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो काले गोरे का भेद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ करती थी, ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ करते थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक स्ट्रगल की साउथ अफ्रीका में रह करके। ये स्ट्रगल लगभग लगभग 20 साल तक चली। उसके बाद वो इंडिया आ जाते हैं इन 1915, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पूरा का पूरा टाइम जो है वो इंडिया में बिताया, और इस टाइम को उन्होंने दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को। पर जब वो आते हैं फ्रेंड्स, तो वो एकदम से किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी को या किसी भी संस्था को ज्वाइन नहीं करते हैं। वो एक दो साल जो है इंडिया का दौरा करते हैं, और फिर फाइनली जा करके अपना एक अलग से जो है फ्रीडम स्ट्रगल अपने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के हथियारों के साथ स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि किस तरह से गांधी जी का एंट्रेंस हुआ था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। यहाँ पे तीन मेजर इवेंट्स उभर के सामने आते हैं फ्रेंड्स। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं? वो आता है एक तो चंपारण का इवेंट, दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का इवेंट, और तीसरा है अहमदाबाद में मिल वर्कर्स का इवेंट। इन इवेंट्स में क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो चंपारण सत्याग्रह था, उस समय जो इंडिगो प्लांटर्स थे, यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे, ये नील की खेती करने के लिए इंडियंस को मजबूर कर रहे थे, और उस समय इस चीज़ के लिए गांधी जी ने जो है इंडियन फार्मर्स, भारत के किसानों की बहुत ज़्यादा मदद की और उनको उनके हक भी दिलाए। दूसरा केस जो आता है सामने, वो आता है खेड़ा का सत्याग्रह, जो गुजरात में उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जो बहुत ज़्यादा लैंड टैक्स पीजेंट से मांग रहे थे ब्रिटिशर्स, पर उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो ये टैक्स दे सके। क्यों ऐसी हालत नहीं थी? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा प्लेग फैला हुआ था और क्रॉप्स जो थी उनकी बर्बाद हो चुकी थी, जिसकी वजह से थे वो टैक्स नहीं दे सकते थे। इसी स्ट्रगल के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो थे गांधी जी के फॉलोअर बनते हैं। और फिर लास्ट पे जो तीसरा इवेंट आता है, वो आता है अहमदाबाद मिल वर्कर्स, और इस केस में भी जो है गांधी जी पहली बार फास्ट एंड टू डेथ यानी हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, और इस तरह से अपने बहुत ज़्यादा साइलेंट तरीके से वो अपनी डिमांड जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं, और फाइनली वर्कर्स के लिए वो उनका केस जीतने में हेल्प भी करते हैं। फ्रेंड्स, ये तीन इवेंट्स हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आने वाले कुछ मिनट्स में आपको पता चल जाएगा इन इवेंट्स की एक एक डिटेल। सो एग्जैक्टली इन तीनों इवेंट्स को याद रखने का मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता सकती हूँ। ट्रिक है, आपको याद रखना है ये वर्ड CAKE, केक। केक तो हम सब लोग खाते हैं। सी स्टैंड्स फॉर चंपारण, ए स्टैंड्स फॉर अहमदाबाद, एंड KE स्टैंड्स फॉर खेड़ा सत्याग्रह। अब CAKE, सी इवेंट होता है 1917 में, अहमदाबाद मिल वर्कर इवेंट होता है 1918, और सेम ईयर खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही ये इवेंट होता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट,
अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल्स जानेंगे। यस फ्रेंड्स, पहला इवेंट जो हुआ गांधी जी के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान, वो इवेंट था चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ला एक इंडिगो कल्टीवेटर थे, वो गांधी जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि प्लीज़ गांधी जी आप आइए और हमारी कंडीशन को देखें। गांधी जी क्योंकि एक लॉयर थे, वो वकील थे पेशे से, तो इसलिए राजकुमार शुक्ला को लगा कि जैसे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है लेबरर्स के हक के लिए बहुत अच्छे से उनको उनके हक दिलाए हैं, तो वैसे ही राजकुमार शुक्ला को भी लगता था कि गांधी जी यहाँ पे भारत में भी हमारे फार्मर्स की हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इसलिए वो गांधी जी को मना लेते हैं और कहते हैं कि आप जो है फार्मर्स के केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप इस केस को देखिए कि क्या कैसे आप जो है किसानों की मदद कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो फोर्स करते थे इंडियंस को, भारतीयों को, कि वो 3/20 ऑफ द लैंड, यानी 3/20% लैंड जो है उनकी कल्टीवेशन की जो है वहाँ पे नील की खेती करें। फ्रेंड्स, हमें पता है कि नील की खेती जब जिस ज़मीन पे होती है वो ज़मीन बंजर हो जाती है, मींस वो उपजाऊ नहीं रहती, तो इसलिए ये फार्मर्स के लिए एक फोर्सिव कंडीशन थी कि उनको ऐसा करना ही करना है, पर एक्चुअल में फार्मर्स ऐसा नहीं चाहते थे। और इस सिस्टम को नाम दिया गया फ्रेंड्स उस समय तीन काठिया सिस्टम। उस समय राजकुमार शुक्ला की परसुएशन पे गांधी जी चंपारण आ जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करें, पर उनको परमिशन नहीं दी जाती। पर वो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर ना मानते हुए वो प्रेफर करते हैं कि मैं इनके ऑर्डर्स नहीं मानूंगा और मैं पनिशमेंट फेस करने के लिए तैयार हूँ, जो भी वो पनिशमेंट देना चाहे वो दे सकते हैं। और उसी समय वो पैसिव रेजिस्टेंस यानी शांत विद्रोह एक शुरू करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मींस वो सविनय अवज्ञा का जो है स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं और जो है इस अनजस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं। उस समय गांधी जी के इस तरीके के साइलेंट जो है आप कह सकते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस को देखते हुए बहुत से लोग, बहुत से प्लांटर्स, बहुत से लैंड लॉर्ड जो थे वो गांधी जी के साथ मिल जाते हैं और वो सारे मिल करके जो है गांधी जी का साथ देते हैं, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। और फिर इस जो ये एक्सप्लॉइट करने वाला तीन काठिया सिस्टम का ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय उसको ख़त्म कर देती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि जो 25% मनी जो है, जो 25% पैसा जो है पीजेंट से एज अ लैंड टैक्स लिया गया था, हम वो भी वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए चंपारण सत्याग्रह को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन सत्याग्रह बाय गांधी जी। गांधी जी का ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने सत्याग्रह के साथ यानी शांति के साथ, ट्रुथ के साथ जो है भारत में इम्प्लीमेंट किया। और इसी स्ट्रगल के दौरान महात्मा जी को बापू और महात्मा की उपाधि भी लोगों के द्वारा दी गई। ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह, जिसमें हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस या फिर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन सत्याग्रह बाय गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में, यानी 1917। सो फ्रेंड्स, खेड़ा सत्याग्रह 1918 की बात अब करते हैं। इसको हम फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। ये गांधी जी का सेकेंड इवेंट था भारत में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ये खेड़ा सत्याग्रह किया था उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। उस समय एक बहुत भारी सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से किसानों की खेती जो थी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, पर उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो फोर्स कर रही थी कि वो जो है अपना टैक्स पे करे। लेकिन उस समय पर एक लॉ भी था कि अगर फार्मर्स की खेती 1/4 ऑफ द नॉर्मल आउटपुट से कम होती है तो उस समय फार्मर्स को उनका जो है टैक्स माफ़ किया जाना चाहिए। पर उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो ये सब नहीं मान रही थी, वो मना कर रही थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उस समय गांधी जी की गाइडेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं फार्मर्स के अगेंस्ट इस प्रोटेस्ट चलाते हैं अगेंस्ट द करेक्शन ऑफ द टैक्सेस। उस समय जितने भी लोग थे अलग अलग कास्ट के या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग लेवल के, वो सब गांधी जी को अपना पूरा सपोर्ट जो है वो देते हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान गांधी जी ने जो थे सब लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से एक सिविल
डिसोबीडियंस के अंदर आप कह सकते हैं एक पूरा शांतिपूर्ण वातावरण में जो है ये सारा जो है प्रोसेस रेवोल्यूशन का करेंगे। फाइनली उस समय जो है गांधी जी के आग्रह पर जो है गवर्नमेंट कुछ कंसेशन जो है वो फार्मर को दे देती हैं। वो डायरेक्टली तो उनकी मांगों को नहीं मानती है, पर हाँ वो कहते हैं कि ठीक है, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग पे कर सकते हैं, जिनके पास काबिलियत है पे करने की, वो लोग जो है टैक्स जो है वो ज़रूर पे करें, जिनके पास नहीं है टैक्स पे करने की कैपेसिटी तो वो नहीं भी पे कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर इनडायरेक्टली जो था उन्होंने ऐसा कहा। तो इस तरह से फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात पे कंटिन्यू किया। देन थर्ड आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये हुआ था 1918 में। अगेन इसको हम फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। इस समय क्या हुआ था कि जो कॉटन मिल थी वहाँ पे ओनर्स और वर्कर्स के बीच में एक क्लैश आ गया था, क्योंकि उस समय प्लेग आया था और प्लेग की वजह से जो थे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे, बहुत लोगों की जाने जा रही थी। उस समय प्लेग बोनस जो था वो गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिया था, गवर्नमेंट उनको प्लेग बोनस नहीं दे रही थी। तो जिसके कारण वर्कर्स ने डिमांड की थी कि हमें 35% सैलरी हाइक दिया जाएगा, अगर आप प्लेग बोनस हमारा ले रहे हैं वापस तो हमें 35% वेजेस हमारे इंक्रीज़ कर दें। तो उस समय गांधी जी फिर इस जो है प्रोसेस में इंटरवीन करते हैं, अपनी जो है सपोर्ट जो है वर्कर्स को देते हैं, और उस समय उनकी इस इन मांगों को स्ट्रेंथन करने के लिए वो फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक पे यानी फास्ट अनटू डेथ पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिल ओनर्स थे वो भी प्रेशर में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वो वर्कर्स की मांगों को मान जाते हैं और वो उनको उनका डिमांडेड 35% हाइक जो है वेजेस का वो प्रोवाइड कर देते हैं। इन सारी मूवमेंट्स में गांधी जी ने हर लेवल के लोगों को इन्वॉल्व किया, चाहे वो फार्मर्स हो, आर्टिसंस हो या लो कास्ट पीपल हो, तो जिसकी वजह से ये जो था एक मास मूवमेंट बन गया। और इस मूवमेंट की सबसे खास बात ये थी कि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा सिर्फ अपर क्लास और मिडिल क्लासेस के लिए। तो इस तरह से गांधी जी ने तीन सक्सेसफुल इवेंट्स, तीन सक्सेसफुल हम कह सकते हैं कि हमारे सामने एग्जाम्पल रखी, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस के साथ पूर्ण स्वराज के सॉरी पूर्ण स्वराज तो हम इस समय नहीं कह सकते, इन्होंने उस समय जो है वर्कर्स के लिए और हर तरह के लोगों के लिए जो है उनकी मांगों को गवर्नमेंट के सामने रखा और उनको फाइनली जो है उनके हक दिलवाने में हेल्प की। तो इस तरह से वो जो आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के रूप में उभर कर सामने आए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। बाय।